कोतवाली पुलिस स्टेशन में 4 तारीख को एक लेटर प्राप्त हुआ था, एक विजय रोड़दन नाम के आदमी ने दिया था, और उसने अपने सिग्नेचर से लेटर दिया था कि 5 तारीख को आदर्श विद्या मंदिर जो है कोतवाली में, वहाँ पे एक एग्ज़ाम होने वाला है, सरकारी एग्ज़ाम लिपिक वर्क का, उसके लिए पुलिस प्रोटेक्शन के लिए उसने लेटर दिया था। जो लेटर पैड था वो एक सर्वोच्च न्यायालय समिति एंच डेस्क ऑफिसर इस ऑफिस के नाम से उसने ये लेटर पैड पे डिमांड किया था, और उस पे डेस्क एज अ डेस्क ऑफिसर उसके खुद के सिग्नेचर थे। तो और सेम लेटर उसने आदर्श विद्या मंदिर को भी दिया था कि ऐसा ऐसा एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप इसमें सुपरविजन के लिए टीचर्स प्रोवाइड कीजिए, और साथ में उसने 20 जो एग्जामिनर्स थे जो एग्ज़ाम देने वाले थे उनकी भी लिस्ट प्रोवाइड की थी। तो वो लेटर देख के थोड़ा पुलिस को शक हुआ कि ऐसा कोई एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है, या तो उन्होंने थोड़ा इंक्वायरी किया है कोर्ट से कि ऐसा कोई कोर्ट का एग्ज़ाम है क्या, रिक्रूटमेंट का, लिपिक का। तो उसमें उन्होंने बताया कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो इसमें जब इसका इंट्रोगेशन किया जो लेटर देने वाला था, तब उसने ये कन्फेस किया कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, और वो जो लेटर पैड है जो फेक लेटर पैड है। तो इंट्रोगेशन में ये सामने आया कि ये जो आदमी, इसका नाम असली विजय रण सिंह है, ये उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, और अभी ये माहूर डिस्ट्रिक्ट नांदेड़ में रह रहा है। इसने लोगों को ये बोल के फंसाया कि ये सर्वोच्च न्यायालय एंचे समिति एंचे डेस्क ऑफिसर ऐसा नाम का ऑफिस में ये एज अ डेस्क ऑफिसर इसको अपॉइंट किया गया है। इसके पास फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर भी मिले मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के, जिसके ऊपर मिनिस्टर्स के साइन वगैरह थे। एक सुप्रीम कोर्ट का एक फर्जी आई कार्ड भी मिला। तो ये दिखा कि इसने लोगों को ये बेकाया था कि ये सुप्रीम कोर्ट के लिए काम करता है और उनकी रिक्रूटमेंट होने वाली है क्लर्क की, तो उसमें पैसे देकर ये उनको रिक्रूटमेंट की लालच दिखा रहा था। और इसके लिए इसने 20 लोग जो है वो नांदेड़ और यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से, जिसने इससे पैसे ले रखे थे, उन लोगों को उसने नागपुर लाया था एग्ज़ाम देने के लिए, और आदर्श विद्या मंदिर में इसने एग्ज़ाम लेने का प्लान कर चुका था। लेकिन पुलिस ने इसमें अलर्टनेस दिखा के बहुत ही उसका ये प्लान जो है फेल कर दिया है, और जो भी इसमें कैंडिडेट्स जिनकी ये फसवणूक कर रहा था उनका नुकसान होने से बचाया है। सर, इसमें कुल मिला के कितनी फसल हुई है, कितने में की है सर, ये काम धंधे क्या करता था, इसका रिजल्ट क्या क्या बीतता था? ये इस थोड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड का, इसके पहले भी इसके 4 गुने दाखिल है, और ये थोड़ा 2 महीने से ये इस काम में लगा हुआ था। तो अभी तक जिसमें जो लिस्ट हमें प्राप्त हुई जिनको इन्होंने फंसाया एग्ज़ाम के लिए, वो 20 लोगों की लिस्ट है। तो इनके घर पे हमने टीम भेजी है अभी सर्च करने के लिए। तो हम इसमें जानकारी ले रहे कि इसने और भी लोगों को फंसाया है इसमें क्या, और ये अभी तक जो